نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي بزير من اهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين سمامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة النكاح ये शराइत निकाह में से है और नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि आप जब भी निकाह के मौके पर तशरीफ़ ले जाते तो आप एक मसनून मखसूस खुतबा तलावत फरमाते इस खुतबे में सुरा नसा की पहली आयत और इसके अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मसनून दुआएं और क़लिमात मौजूद हैं सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर निका के मौके पर यही खुतबा पढ़ते थे और सुनाते थे तो ज़ाहिर है निकाह का ये मौका जहाँ दोनों अजवाज जो रिश्ता अजवाज में बंधने लगे हैं और वो दोनों घराने भी मौजूद हैं तो उस वक्त जब हमेशा यही रिसाइट किया जाता था तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर कि इस खुतबा निकाह में फिर इन घर के मेमारों को जिन्होंने घर की बुनियाद रखनी है घर का ताना बाना बनाना है उसका सिस्टम चलाना है उनको कोई बहुत ही बेहतरीन सुनहरे असूल और गोल्डन टिप्स उनके लिए इस ख़ब निकाह में मौजूद लेकिन हमारे यहाँ तरीक़ाकार अमू तो ये है कि निकाह के मौके पर आ, मर्दों की तरफ निकाह का ख़ुत पढ़ा जाता है और निका भी उधर ही होता है और ख़वान और दुल्हन और उसके जो रिश्तेदार ख़वात हैं वो इस खुतब निका को सुनने से ही महरूम रह जाती हैं अब आजकल मस्जिदों में निकाह का एक आ, रवाज बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन उसमें भी ये है कि जब ख़ुतब निकाह पढ़ा भी जा रहा होता है तो वो अरबी में होता है और उसका मैसेज क्या है उसका पैगाम क्या है वो गोल्डन टिप्स क्या हैं जो इसमें बताए जा रहे हैं ये अरबी ना समझने की वजह से हम उससे महरूम रह जाते हैं तो आज मैं ये खुतब निकाह और उससे मिलने वाले कुछ इम्पोटेंट टिप्स جو ہے ان کا تذکرہ کروں گی خطبہ نکاح کے ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يخذ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما बिल्कुल स्टार्ट में फरमाया गया इन अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा एक बहुत ही अहमियत का हामिल कलमा इससे कुरान का आगाज़ होता है हमारी नमाज़ का आगाज़ होता है क़ुरान की पांच सूरतों का आगाज़ होता है सुबह सो कर उठते हैं तो दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह ही का क़लमा है जागने की दुआ में मुलाकात में सलाम करने के बाद हाल चाल पूछने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर छींक के बाद कितने मौके हैं और अब आप देख रहे हैं कि खुतब निकाह का पहला कलमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा बुनियादी तौर पर चार बड़ी बड़ी चीज़ों की तरबियत और ट्रेनिंग करता है कहने वाले को ये चार चीज़ें सिखाता है जो उसको समझ के शुरू से कहता है और ये वही चार टिप्स हैं जो जाहिर है एक कामयाब खुशहाल घर आने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो पहली चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा सिखाता है और मैसेज कन्वे करता है कि तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं लिहाजा तुम भी अपनी ज़बानों पर अल्लाह की तारीफ़ उसकी हमदोसना यानी उसका ज़िक्र जारी रखा करो ज़िक्र इलाही का पैगाम ज़िक्र क्या है कि दिल में अल्लाह की याद हो और ज़बान पर अल्लाह का नाम हो कामयाब खुशहाल घराने के लिए दोनों अजवाज़ और अहल खाना की ज़बानों पर अगर अल्लाह का नाम और दिल में अल्लाह की याद होगी तो मैं आपको बताऊँ वो घर बड़ा ही ख़ूबसूरत और पुरान घराना होगा क्योंकि अगर आप देखें तो घरों में फ़ितने फसाद और बिगाड़ की जो दो बुनियादी वजूहत हैं एक तो दिलों में आने वाले वसफ़ से वो जो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जिसम का एक टुकड़ा है जब तक वो ठीक रहे तो सारा जिसम ठीक रहता है और अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिसम बिगाड़ और फितने का शिकार होता है ख़बरदार सुन रखो वो टुकड़ा दिल है तो जब दिल में अल्लाह की याद होगी तो क्या है वो जो क़ुरान में फरमाया गया अलाबिक्राह कुलूब कि ये इलाही के साथ ही दिल मतम और पुरसकून होते हैं तो ये इलाही घर के अफ़राद के दिलों को पुरसकून कंटेंटेड मतम रिलैक्स रखेगा और हर टेंशन एंगजाइटी पैनिक और जो नर्वस ब्रेकडाउन्स हैं आज के दौर में इतना ज़्यादा कॉमन होता जा रही एंगजाइटी घर के अफराद के दिल पुसकून और मतमिन होंगे ये इलाही का ज़िक्र इलाही का ज़रिया है और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब इंसान इंसान के दिल के दो टुकड़े हैं दो हिस्से हैं एक में उसका फ़रिश्ता और एक में शैतान रहता है और जब वो जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है लेकिन जब वो जिक्र छोड़ता है तो शैतान अपने दिल के हिस्से में आता है एक चोंच रखता है और एक वसवसा डालता है और ये आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ कि शैतान वसवसा डालेगा तो किसी खैर और भलाई का काम किसी रहम के रिश्ते को जोड़ने या हकूक व लिबाद की अदायगी का वसवसा तो नहीं डालेगा वो तो फितने फ़साद लड़ाई झगड़े और बर्बादी ही का वसवसा डालेगा तो घर वालों की ज़बान पर अल्लाह का नाम और दिल में दिल में अल्लाह की याद होगी तो शैतान के वसवसों से बच जाएंगे दिल पुरस्किन मतम हो जाएगा इसीलिए अल्लाह ने फ़रमाया फ़स क़ुरुनी असुरुम अल्लाह ने हुक्म दिया फ़लत तकमिनफ़िल तुम गाफ़िल लोगों में से ना हो जाना और अल्लाह ने वौन किया है अल्लाह ने वॉन किया वमन वन आर अंक्री फ़ाइन न लहूमायशनजन का जो मेरे जिक्र से याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए ज़िंदगी गुजारना दूभर अजीरन कर दूँगा तो वो जिक्र चाहे नमाज की शक्ल में है कुरान की तलावत की शकल में है तस्बीहात की शक्ल में है सुबह शाम के असकार की शकल में है नमाज के बाद के असकार की, की शक्ल में है या चलते फिरते उठते बैठते मसनू अदाब ज़िंदगी या तस्बीहात की शक्ल में ये ये घर की खुशहाली का सबसे पहला और मुजरब नुस्खा है और फिर जबान के फितने ही तो वो हैं जो घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा और ख़राबी का मामला क्रिएट करते हैं आप सल्ला सन्न ने फ़रमाया ना कि जब इबन आदम सुबह करता है तो सारे जिसम के अज़ा उसके सामने आजी करते हैं कि तू अल्लाह अल्लाह के सामने हमारे मामले में क्या करना डरती रहना अगर तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू खराब होगी तो हम भी ख़राब हो जाएंगे तो ये दूसरा जिसम का उस जो है वो घरों को जला के राख कर देता है बर्बाद कर देता है ताल्लुक को ताल्लुकात को और मोहब्बतों का जनाज़ा उठा देता है वो ज़बान के फितने तो लिहाज़ा जब ज़बान जब जब पर ज़िक्र होगा तो ज़बान खराफात से ला यानि बेकार की गुफ्तु से और वही जो मुनाफिक की सिफ़ा खौम फ़जर आज जब वो बात करता है झगड़ा करता है तो फट पड़ता है ज़बान इन इससे महफूज होगी ज़ाकिर की ज़बान अलहमदल का दूसरा मैसेज और पैगाम क्या है शुक्र अल्लाह की नियमतों का इतराफ़ और मैं आपको बताऊँ कि ये शुक्र वो चीज़ है कि जिसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया फ़ुरूनी असकुरुम वश्ली वला तकवरूनी और अल्लाह ने वादा कर दिया अल्लाह ने वादा किया ला शकर तुम ला अजीद नुम इन कफ़र तुम इन ना अजाबी ला शदीद अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नेमतों से नवाजूंगा और नवाजना भी है अल्लाह सुबहाना जब कोई बंदा शुक्र करता है अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज करता है वन अ पर्सन स्टार्ट काउंटिंग हिज ब्लेसिंग तो उसको बाकी नहमतें नज़र भी आने लगती ये मजीद ला अजीद न कुम की एक शक्ल है और फिर अगर तुमने शुक्री करोगे कुफरानी नमत करोगे तो अजाब शदीद है और वाकई न शुक्री रोना धोना शिकवे शिकायतें क्रिबिंग ग्रम्बलिंग एंग्जाइटीज टेंशन सारा कुछ होने के बावजूद यही तो है इन न अजाबी तो जिस घरानाने के अफराद शुक्र गुजार उनका दिल होगा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ और शुक्र है और फिर सिर्फ ये नहीं घर के अफराद एक दूसरे के मशकूर हैं तो घर बड़ा पुरसकून होगा बड़ा मतमिन होगा और जो अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकता वो अल्लाह के बंदों का शुक्र कहाँ करेगा तो दिल में जब शुक्र की नेमत है ना तो ये वो चीज़ है शुक्र वो नेमत है कि जिसके पास है वो हर हाल में राज़ी ब रजा रहेगा चाहे लाखों करोड़ों महरूमियों का शिकार क्यों ना हो और शुक्र वो दौलत है कि अगर कोई इससे महरूम है तो माला माल भी नेमतों से होगा ना तो भी परेशानियों और टेंशन और एग्जाइटीज़ का शिकार होगा तो ये शुक्र का तस्करा मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये एक घर के अंदर सुकून और मोहब्बतें भरने का ज़रिया होगा वालदे औलाद के मशकूर हैं औलाद वालदेन की मशहूर है दोनों अजवाज एक दूसरे के मशकूर हैं लड़की वाले मशकूर हैं और शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का भी और अपने समदियों का भी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा घर इतना अच्छा बर इतना केयरिंग शोहर मिल गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व फ़ातिमा रजी अल्लाह तह को रुखसत करते वक्त क्या फ़रमाया था फातिमा मैंने अपने घर के बेहतरीन मर्द से तेरा निकाह किया ये शुक्र ही की तो कैफियत है और फिर लड़के वाले मशकूर हैं कि इन्होंने हमें अपनी बेटी पढ़ा के लिखा के अपने दिल का टुकड़ा जो है वो हमारे हवाले कर दिया तो जब ये एक अमूमी माहौल शुक्र का होगा तो इन घर के अंदर बहुत ही सुकून और आपस की मोहब्बतें होंगी वो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के हवाले से फ़रमाया ना कि आपने फ़रमाया कि आज मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी और मैंने आज जहन्नुम का सबसे हैबतनाक नज़ारा देखा और उसमें मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी फ़ौर साहब कराम ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किस अमल की वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इस वजह से कि वो लान तान बहुत करती हैं ये ज़बान का फितना है ना वो लान तान बहुत करती हैं और दूसरा ये कि वो न शुक्री करती हैं पूछा गया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो अल्लाह की न शक्री करती हैं आपने फ़रमाया नहीं वो शहरों की ना शुक्री करती हैं और शहरों की नाशुक्री की कैफियत आप में आपने फ़रमाई कि आपने फ़रमाया कि वो सारी ज़िंदगी अपने शहर से मोहब्बत और हर किस्म की नेमत और हर किस्म की सहूलत पाती है लेकिन जूँ ही उसको उसके शहर की तरफ से एक ही तकलीफ़ छू जाती है तो वो कहती है मुझे तो तुम्हारी तरफ़ से कोई खैर और भलाई मिली ही नहीं कोई उसकी सारी ज़िंदगी का किया धरा जो है ना उस पर पानी फेर देती और आज आप देखिए अगर तो ख़वातीन का यही जुमले होते शादियों के बाद शोहर उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं पहना रहे हैं उड़ा रहे हैं उनको इज्जत उनकी सहूलत उनकी मोहब्बत उनकी जिस्मानी माली रूहानी सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल इकनॉमिक हर किस्म की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और निभा रहे हैं सब कुछ लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के जुमले मेरी तो किस्मत फूटी जब से इस घर में आई मैं तो जिस दिन से इस घर में आई उस दिन से मुझे सुकून मिला ही नहीं वो जो चार दिन सुकून के थे वो मुझे अपने अब्बा के घर और मुझे अपने मेके के आंगन में ही मिले तो ये क्या है नशुक्री है और ये वही नशुक्री है जो घुन के रोग की तरह जो है ना वो घरों को जलाती और बर्बाद कर रही तो लिहाजा शुक्र करना ये अल्हमद की दूसरी तरबियत है और फिर अल्हमदल्ला का कलमा जैसे हम बीमार हों तो कोई हमारा हाल पूछे तो क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो तीसरी तरबियत जो अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा कर रहे हैं और बता रहे हैं, और ख़ुतब निकाह हमें सिखाया जा रहा है सबर, सबर तहमुल पेशेंस कूल माइंडेड होना हर चीज़ पे पैनिक नहीं करना टेंशन और एंगजाइटी का शिकार नहीं होना और अपने नफ्स को घबराहट और परेशानी से रोक कर अल्लाह की अतात और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर जमे और डटे रहना बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ जल्दबाजियाँ ये आज घरों को बर्बाद करती हुई नज़र आती हैं इतनी बेसब्रियाँ है। इतनी बेसब्रियाँ और इतनी जल्दबाजियाँ कि मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि बच्चियाँ बच्चियाँ आती हैं और अभी शादी को छः महीने नहीं हुए होते और ऐसे ठाट बाट के साथ इतने अखराजात के साथ निकाह हुआ होते हैं और अभी शादी को छः महीने नहीं होती और वो रोती भी आती है बस मेरा तो गुजारा ही नहीं बस मैं तो रह नहीं सकती बस मैंने बता दिया मैंने नहीं यहाँ पर रहना बस खुला ले लें जो मर्ज़ी कर लें मेरी जान छुड़ा दें इसी तरह वो लड़कों को भी जल्दबाजी है अरे अल्लाह की बंदी अरे अल्लाह के बंदे ये चार पाँच महीने का पीरियड ये क्या है ज़िंदगियों में कुछ देख तो लो कुछ दिखा तो लो उनको समझ तो लो अपना आप समझा तो लो कुछ टाइम तो लगेगा ख़वान के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबर और ख़ामोशी उनका सबसे बड़ा जेवर और असल और हथियार होता है और ख़ातून के लिए तो सब्र इंतहाई ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ करना गिव इन करना अकोमोडेट किए बगैर रिकनसाइल किए बग़ैर तो घर नहीं बनेंगे अगर एक बच्ची समझती है कि मैं जाऊं और जाते सारे सारे का सारा सिस्टम मेरी मर्जी के मुताबिक बदल जाए निसाब मेरी मर्जी और मेरी ख्वाहिशात और मेरी आर्जुओं के मुताबिक चलने लगे और सारी कठपुतलियों की तरह मेरी उंगलियों पर नाचने लगे और वो शोहर जो है उसको तो मैं अपनी उंगली के गिर्द लपेट लूं और बस वो मेरे ही गुन गाने लगे तो आई एम वेरी सॉरी टू से ऐसे नहीं होगा ये जल्दबाज़ी है और आपने फरमाया कि अल्ला चला तुम इन नैतवान सारी की सारी जल्दबाजियाँ तो शैतान का काम है तो लिहाजा आप देखें कि एक ख़ातून कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि एक बच्ची जो ही घर में गई है तो वो सारी की सारी तवज्जो और सारी की सारी मोहब्बत जो है वो बीवी ही की तरफ देने लगे अरे वो पिछले ज़िंदगी के 20, 25, बाईस साल अपनी माँ अपनी बहन अपने घर वालों के साथ रहा है वकी पे पला बड़ा है कुछ तो टाइम लगेगा इसको समझने में कुछ तो वक्त लगेगा इसको अकोमोडेट करने में लेकिन ये जल्दबाजी और मैं सिर्फ़ एक जाविए में जल्दबाजी बच्चियों को सिर्फ बहुओं को आने वाली को मैं सिर्फ सब्र और तहमुल की नहीं मैं वो ससुराल वाले वो इन लॉज वो सास ख़ास तौर पे जो उस बच्ची को ब्याह के ले जाती है मैं उनको भी सब्र और तहमुल की ताकीद किया करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बड़े जब हैं तो उनको बड़े बन के रहना है छोटों को छोटा बन के रहना है और बड़ों को बड़ा बन के रहना है और बड़ों को बड़ा बनते हुए तहमुल और सब्र बहुत ज़रूरी है ये उनका जाती नमूना भी होगा और घरी में घर में खुशहाली का ज़रिया भी होगा मैं तो कई दफ़ा सासों को बात करती हूँ कि कई दफ़ा हमारे घरों में ये तरीका होता है कि ससुराल वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ही वो बहू घर में है वो सारा सिस्टम उठा ले वो सारा सिस्टम ही उठा ले और सारे का सारा निज़ाम ही चलाने लगे अगर कैसे चलाने लगे वो अपने मेके से रह के है उसका सिस्टम उसकी प्रेफरेंसेस उसकी प्रायोरिटीज़ उसके तरीके उसके मैनरिज़म फ़र्क थे तुम्हारे घर के निज़ाम को समझते हुए अडॉप्ट करते हुए लर्न करते हुए उसको टाइम लगेगा किसी को ब्रीदिंग स्पेस तो दो किसी को थोड़ा सा मार्जिन तो दो वो कैसे आके नौ महीने में तुम्हारा पूरे का पूरा निज़ाम उठा ले और पूरे की पूरी तुम्हारी किचन और तुम्हारा सिस्टम चलाने लगे तुम्हारी बेटी तो 20-22 साल रह के वो ना कर सकी जो तुम इसे नौ महीनों के अंदर एक्सपेक्ट करती हो और मैं बसा औकात मिसाल दे के समझाया करती हूँ इन लॉज को और सासों को कि देखिए हम अपने घरों में हम नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लेकर आते हैं बेल लगाते हैं अपने अपने लॉन्स के अंदर तो क्या होता है क्या वो एकदम से उस पर फूल आ जाते हैं और बरगोबार आ जाते हैं और वो फ्रूट प्लांट के ऊपर क्या फ़ौरन ही फल लगने लगते हैं नहीं ना एकदम से तो जब हम नर्सरी से आके उसको अपने घरों में लगाते हैं तो वो ऐसे जैसे उसके पत्ते को ढीले से हो जाते हैं विल्ट कर जाते हैं और लटक से जाते हैं और फिर उसको हम बहुत देर पानी देते हैं तवज्जो देते हैं निगरानी करते हैं उसको धूप छाँव से बचाते हैं कीड़े मकौड़ों से बचाते हैं, हैं और फिर उसको उसको बहुत सी खाद देते हैं उसको आबियारी करते हैं तो फिर कहीं वो पौधा जो है वो बढ़ता है फलता है फूलता है और हमारे आंगन की जीनत बनता है फिर उस पेड़ के ऊपर फल भी लगते हैं साया भी होता है और वो बेल जो है वो बड़ी ख़ूबसूरत से बन के उसके ऊपर फूल भी लगते हैं और हमारे आंगन का हुसन भी बनती है और इजाफा भी करती है तो वो आने वाली बहू शी इज़ गोइंग टू नीड टाइम उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए तवज्जो चाहिए मोहब्बत चाहिए निगरानी निग्दाश्त सपोर्ट गाइडेंस काउंसलिंग चाहिए तो ये है वो जो अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहे हैं कि सबर करो तहमुल करो बी पेशेंट बी टॉलरेंस जस्ट इग्नोर ओवर करो माफ करो और फिर अलहमद का कलमा जो चौथी चीज सिखाता है वो क्या है तकबुर की नफी आपका घर खूबसूरत है मेरा कमाल नहीं है आप लायक हैं, मेरा कमाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कमाल है अल्लाह की देन है उसकी नेमत है तकबुर की नफ़ी और आजजी और टॉलरेंस और हम्बलनेस मैं आपको बताऊं कि घरों के सुकून के लिए बाहमी मोहब्बतों के बढ़ने के लिए आजी और इनकसारी भी घर के अफराद में और घर के इंडिविजुअल्स में जब तकबर नहीं होगा ना और आजी के साथ एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उठेंगे और बैठेंगे और घुलेंगे और मिलेंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी और हुसन और सुकून पैदा होगा आने वाली बहू को अगर तकबुर है कि वो किसी बड़े बाप की बेटी है तो वो घर वालों में ससुराल वालों में किसी को खातर में ही नहीं लाएगी अगर उसको घमंड है, कि वो ढेर सा वो ढेर सा कोई जहेज लेकर आई है या बहुत बड़ी डिग्री वाली है तो ना वो अपनी सास को खातर में लाएगी ना वो अपनी देवरानियों और जुठानियों और के साथ घुले मिलेगी और ना ही वो अपनी नंद के साथ मोहब्बत के साथ मिक्सअप करेगी वो तो अपनी ही हवा में और अपनी ही एयर में रहेगी इसी तरह अगर लाने वाली सास को ये तकबर है और घुमंड है कि हमारी ज़ात और हमारी बरदरी और हमारा घराना तो कोई बहुत ही ऊंचा सा घराना है और ये पता नहीं किसी निचले घराने और किसी बस सी ज़ात से आइए तो भी मामला ही का तो तकबर की नफी होनी ज़रूरी है कोई घुमंड नहीं कोई करूर नहीं कोई एरोगेंस नहीं बस सब अफराद जो हैं वो आजी और उनके सारी के साथ अल्लाह के आगे झुकते हैं अल्लाह के बंदों के आगे भी झुकेंगे तो घर बड़ा ही पुरसकून होगा ये चार गोल्डन टिप्स तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे में से हैं और फिर अगला कलमा नस्त अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं ईया के नस्ताइन में जो हम वादा करते हैं ये उसी की तजदीद है कि अल्लाह हम मदद तुझे से मांगते हैं मैं आपको बताऊं कि जब दो अफराद मियाँ बीवी एक रिश्ता अजवाज़ में बनते हैं और फिर घरों का भी ताना बाना आपस में रिलेट होता है दो घराने आपस में जुड़ते हैं तो खफगियाँ नाराज़गियाँ होती देखिए मिजाज फ़र्क है तरजीहत फ़र्क है प्रायोरिटीज़ फ़र्क है माहौल फ़र्क है जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो मिजाज के फ़र्क और तरजीहत के फ़र्क की वजह से बस अवकात ऊँच नीच होती है कभी लड़ाई कभी झगड़े कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी कन्फ्यूजनस कभी ऊँची नीची बात कभी कुछ शिकवा शिकायत कभी कोई तलख कड़वे जुमले जुमलेक्ट इंटरचेंज होते हैं इसकी वजह से एंगजाइटीज़ टेंशनस क्राइसिस ऊंच नीच आती है ज़िंदगी में और इब्तः में ज़रा ज़्यादा आती है तो उसके लिए एक सिचुएशन और जो रहनुमाई मिलती है कि क्या करो जब कोई परेशानी है कोई दुख है कोई गम है कोई मुश्किल है तो क्या करो हमारे माशरे में क्या होता है बल्कि शायद हर ही जगह ये होता है कि एक बच्ची को अपने इन लॉज में अपने हस्बैंड की तरफ से जब इश्यूज आते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं क्राइसिस फ़ेस करने पड़ते हैं तो वो किसकी तरफ़ जाती है माँ की तरफ बहन की तरफ शिकवे शिकायतें क्रिबिंग ग्राम्बलिंग और फिर वहाँ पे कई दफ़ा गीबतों के अंबार भी हो जाते हैं जो कि शायद बहुत से नेक माल को बर्बाद भी कर देते हैं कि थारसिस और अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के चक्कर में बहुत दफ़ा ये सब कुछ होता चला जाता है तो और फिर लड़का भी जब उसको कोई इश्यूज आते हैं उसको प्रॉब्लम्स आती हैं हैंडल नहीं होता तो वो कभी माँ के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करता है कभी अपने भाई के साथ कभी दोस्तों के साथ वो ख़ातून वो दुल्हन जो है वो भी कभी अपनी सहेलियों के साथ ये सब कुछ करती है तो क्या करना है मदद अपने इर्द गिर्द अपनी माँ बहनों दोस्ती से नहीं दोस्तों से नहीं नस्त मैं आपको बताऊँ ये बहुत खूबसूरत रसूल है क्योंकि आप देखिए कि जब हम गाइडेंस और रहनुमाई अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने दिल की हालत बयान करके उनसे रहनुमाई और गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं तो मैं सबसे पहली बात ये बताऊँगी कि वो माँ और बहन सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी सुनती हैं जब किसी भी सिचुएशन का एक रुख और एक जाविया और सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी सुनी जाए ना तो मशवरा देने वाला भी बाइस्ड होता है और सही ओपिनियन और मशवरा नहीं दे सकता वो माएँ वो बहनें वो सहेलियाँ उनके पास ग़ैब का इल्म नहीं होता है और फिर माँ को या बहन को जब हम जा के कोई बात शेयर करते हैं तो क्या पूरी ख्वाहिश और पूरी आर्ज़ू और चाहत के बावजूद क्या माँ हमारे दुखों को बांट सकती है हमारी तकलीफ़ों को दूर कर सकती है नहीं ना तो बस फिर माँ को बताने की या किसी सहेली के सामने पेट नंगा करने की क्या ज़रूरत है किसको बताना है वो जो िमैब है अल्लामूब है जो अलीम है जो समी है जो बसीर है जो सब देख रहा है सुन रहा है और जिसके अहकाम में हमत है और फिर जो अलदूद है ना माँ उसे बढ़ के मोहब्बत करने वाला है ना और जो कहता है कि कौला रबनी फस्त जब लक़ुम वो कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ सुनूँगा मैं तुम्हारी हाजत रवाई कबूल करूँगा वो जो कहता है कि इनको बताओ कि मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ जी बुदाव आईजा दा आनी दिन को रात को सुबह को शाम को झाड़े में तूफ़ान में मुश्किल में परेशानी में जो जब जहाँ पुकारेगा मैं उसको सुनूंगा दुनिया वाले तो एक दफ़ा सुनते हैं दो दफ़ा सुनते हैं आप जाएँ तो वो कहते हैं ये तो हर वक्त अपने रोने धोने ही करती रहती है अपनी रो दादे लेकर आती रहती है अब कौन सुने इसकी तास्ताने लेकिन अल्लाह तो सुनता है ना और सुन के दुखों को तकलीफ़ों को दूर भी वही कर सकता है पालनहार हार भी वही है राजिक भी वही है तकलीफ़ों को दूर करने वाला भी वही है तो लिहाजा उसको बताए ना वो जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्मा अश्कू बस्सी वजनी मेरा रोना मेरा धोना मेरा शिकवा मेरा शिकायत किसके लिए है अल्लाह के सामने करता हूँ नमाज अल्लाह की मुलाकात है मुलाकू नाकू हम तकबीर कह के हाथ बांधते हैं तो अल्लाह से मुलाकात शुरू हो जाती है तो लिहाजा ये दुखड़े किसको बयान करने अल्लाह सुबहाना ताल को उसके सामने अपनी परेशानी दूर करें उसके सामने अपनी हाजतें बयान करें वो दूर करने पर कादिर है और मैं तो बच्चियों को हमेशा ये बात कहा करती हूँ कि माँ को बताई हुई तकलीफ़ जो है ना कई दफ़ा बच्चियाँ बहुत सेल्फिश हो के अपना रोना धोना माँ को बता आती हैं लेकिन ख़ुद तो शायद अपने घर में आके खुश हो जाती हैं और रात गई बात गई सब गम दूर हो जाते हैं और वो अपने शोहर और अपने ससुराल वालों के साथ राज़ी हो जाती हैं लेकिन वो माँ कुर्ती चलती रहती है और फिर जब हम अपने पेरेंट्स को वो सिचुएशंस बता देते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स हमारे ससुराल के साथ हमारे शोहर के साथ बाइस्ड हो जाते हैं और मोहब्बतों के अंदर एक दराड़ आ जाती है और अल्लाह ने जब क़ुरान में फ़रमाया है कि माँ बाप के लिए फ़ला तकम उफ़ उसमें एक तो की बद की भी है लेकिन उनको अपना उफ उनको अपना दुख अपना दर्द अपना हाय वाय ना सुनाओ क्योंकि जब तुम अपनी माँ को अपनी रुदात सुनाती हो तो वो तो सारी अगली रात भी नहीं सोती उसकी नींद रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा अपनी औलाद की तकलीफ़ है तो उनको अपने उफ तुफ़ सुना के इस बुढ़ापे में उनको गमज़दा ना करो ये बड़ा सेल्फिश सा एटीट्यूड है जो बेटी अपना गम हल्का करके अपना गम पूरे का पूरा अपनी माँ को दे आती है नस्तयीन को, मत उससे मांगो और फिर क्या व नस्त हो हम तुझसे बख्शिश तलब करते हैं ये अब एक अगला बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन रसूल है मैं आपको बताऊं कि घरों में और अजवाज के मसाइल में लड़ाइयाँ झगड़े तूल क्यों पकड़ते हैं प्रोलॉन्ग क्यों होते हैं प्रोसिस्ट और कैरी ऑन क्यों करते हैं बिकॉज़ दोनों का ये ख्याल होता है दोनों अफराद का या दोनों ग्रुप्स का ये ख्याल होता है कि मैं हक पर हूँ और मैं दुरुस्त हूँ और अगला बंदा गलत है और दूसरी पार्टी गलत है अनैज़ लॉन्ग एज वी कीप ऑन थिंकिंग एंड बिलीविंग मैं करेक्ट हूँ तो फिर कोई भी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता झुकता नहीं है गिव इन नहीं करता माफ़ी नहीं मांगता कौ? और मामला रफा दफ़ा नहीं होता और ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना फिर लड़ाई चलती रहती है तो अल्लाह यहाँ पर जो हमें टिप सिखा रहा है नस्तख रखू कि जब भी घर में कोई सिचुएशन कोई क्राइसिस कोई अपसेट कोई लड़ाई झगड़ा है तो दोनों अफ़राद को क्या करना है अल्लाह से बख्शिश तलब करें और इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब घर के सारे अफराद या दोनों फरीकैन जो किसी झगड़े का शिकार हैं वो अपने गिरेबान में झांकेंगे वो जो कहते हैं ना रहे देखते औरों के ऐबो हुनर पड़ी अपने ऐबों पे जब नज़र जहां में कोई बुरा ना रहा तो यही वो तस्वर है कि जब वी स्टॉप फाइंडिंग फॉल्स विद द नेक्स्ट पर्सन एंड वी स्टार्ट एनालाइजिंग आवर सेल्स हम अपना सेल्फ़ ऑडिट करते हैं और अपना जाति महासपा करते हैं अपने गिरबान में झांकते हैं तो यकीनन बहुत से ऐब नज़र आते हैं और हम अपने ऐबों का मुहासबा करें और उनको एनालज़ करें और उनको एक्सेप्ट करें और उनको कन्फेस करें और फिर नादिम और पशेमान होकर रिग्रेट के साथ अल्लाह सुबहाना तब हम बख्शिश तलब करेंगे और अल्लाह से इसलाह का वादा करेंगे तो इन शहु से ऐबों से निजात भी होगी और इन वो लड़ाई जो दोनों हाथों से बजनी ताली जो दोनों हाथों से बजनी है जब एक शख्स अपनी कमी और कोताही का एक्सेप्टेंस करके अपना सेल्फ ऑडिट करके बख्शिश तलब करेगा तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और वैसे भी बख्शिश के लिए आप सलील वम ने वह वादा फरमाया न कि जब कोई शख्स इस को अपने लिए लाजम कर लेता है इस इज़ नाट अस्तफर की हज़ार दफ़ा की तस्वीर इस, इस सेल्फ ऑडिट अपना मुहासमा अपने गुनाहों का इतराफ़ करके एक्सेप्ट करके रिग्रेट और फिर पुशमानी और निदामत से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना और इस्लाह की तरफ चलने की ख्वाह और इरादा और अल्लाह से मदद तलब करना दिस इज इस वट इसतफार इज इस। तो आपने फरमाया कि जब कोई शख्स इस तखफार को अपने लिए लाजम कर लेता है अल्लाह सुबहाना तिल को सकीना देता है और फिर अल्लाह अल्लाबहाना ताल उसको हर मुश्किल से निकलना आसान बना देते हैं और रिस्क उसको वहाँ से देता है जहाँ से उसको उम्मीद भी नहीं होती तो यह एक बहुत ही खूबसूरत असूल है व न आउज़ बिल्ला बिन शरूर अनफ अपने नफ्सों के शर से बचना और इसकी दुआ अल्लाहि न रुश्तन व आय निन शरूर अनफिन और मैं बात करती चली जाऊँगी तो इसमें से तो बहुत से असूल मिलते चले जाएँगे लेकिन अगर आप ख़ुतब निकाह देखें तो उसमें एक और गोल्डन असूल जो एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं चार दफ़ा मजनून ख़तब निकाह में कहा गया है इत अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर अब ये एक अगला पॉइंट है अगर घर के अफराद के दिलों में एक दूसरे का अपनी बरादरी का अपने हमसायों का अपने अजीज़ व अकारब का खौफ है कि वो क्या कहेंगे उनको क्या जवाब दूंगी वो क्या सोचेंगे उनके सवाल को मैं कैसे आंसर करूंगी अगर दिल में अल्लाह के बंदों का खौफ है तो फिर फिर घर ख़ुशहाल घर आना नहीं होगा लेकिन घर घर के अफराद के दिलों में अल्लाह का खौफ है अलैकुम रकीबा के अल्लाह देख रहा है तो फिर उनके रवैयों उनके अखलाक उनके मामलात के अंदर हुसन भी होगा और वो हुसन मामलात और हस्न सलूक और अखलाक परसिस्टेंट और परसवेरेंट भी होगा वो फेजिक नहीं होगा मसलन अगर आप देखें कि एक बीवी जो है वो सिर्फ अपने शहर से डरती है उसको डर है कि शोहर डांटेगा खफा होगा नाराज़ होगा खर्चा रोक देगा मेरी पॉकेट मनी को बंद कर देगा या मुझे कहीं कुछ शोहरों का यह भी होता है कि वो मारे पीटेगा या वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा इसका डर है तो फिर अगर इस डर के साथ बीवी काम करती है तो जितनी देर शोहर घर पे है और शोहर अराउंड है वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ अम्मी जान अब्बू जान ऐसे जैसे मुँह में ऐसे जैसे वो एक शुगर कोटेड तरीके से बात करेगी और बड़ी मीठी बात करेगी और काम भी करी है खदमत भी कर रही है लेकिन द मोमेंट द शौहर मूव्स आउट गेट बंद हुआ उसकी गाड़ी गेट से निकली उसके रवैये उसके अंदाज़ उसके लहजे सब में फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि उसको तकवा किसका था वो डर सिर्फ अपने शहर से रही थी वो कहते ना घर वाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं वो कैफियत होगी एंड इट होल्स ट्रू बोथ वेज अगर घर की जो माँ है जो सांस है उस बच्ची की अगर उसको सिर्फ अपने अपने कमाऊ बेटे का खौफ है कि बेटा कहीं नाराज़ ना हो जाए बेटा कहीं खफा ना हो बेटा कहीं नाराज़ हो कि मेरे मेरे साथ जो है वो वो घर का अर्न करने वाला बेटा है वो कहीं खच्चा पानी बंद ना कर दे या बेटा रूट जाएगा अगर माँ को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है तो जितनी देर बेटा घर में है उतनी देर मेरी प्यारी बेटी मेरी अच्छी बेटी बेटी खा लो बेटी बैठ जाओ लेकिन द मोमेंट बेटा घर से जाता है तो उसकी चोटी उसके हाथ में और पेशानी के ऊपर सांस के वो 111 भी बच जाते हैं तो ये है इत घर के अफराद शोहर अल्लाह का तकवा करता है बीवी अल्लाह का तकवा करती है तो फिर घर पुरसकून और घर मज़बूत घर आना को कहा फिर अल्लाह सुबहान ते सूरा नसा की पहली आयत भी इस ख़तब निका का हिस्सा है जहाँ अल्लाह ने फरमाया खला कम से वाहिदा वाल जहा अल्लाह सबान व तः निसा की पहली आयत में जो मसनून खुतब निका का हिस्सा है उसमें अल्लाह सुबहाना ने अजवाज को मियाँ बीवी को जौज कहकर पुकारा है और जौज़ का मतलब है पेयर तो गोया क़ुरान की तलीमत के मुताबिक इस्लाम में मर्द और, और औरत शोहर और बीवी एक जौज हैं एक पेयर हैं और हमें मालूम है कि पेयर में दोनों चीज़ें बराबर और हम पल्ला होती हैं और दोनों चीज़ें पेर की अपनी अपनी तकमील के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं तो लिहाजा स्पाउस शोहर और बीवी बीइंग अ पेर दोनों हम पल्ला हैं बराबर हैं शौहर आला और बीवी अदना शौहर बरतर और बीवी कमतर नहीं है वो जो तस्वुर है ना कि बीवी को पाओं की जूती समझा जाता है ऐसा तसवुर नहीं है इस्लाम की तलीमत में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोनों अजवाज हम पला हैं बराबर लेकिन मैं आपको ये बता दूँ हम पल्ला तो हैं लेकिन अल्लाह सुबहैन वाले दोनों अजवाज को फिज़िकली इमोशनली कॉन्स्टिट्यूशनली हर लिहाज से फ़र्क बनाया उनकी हैयत उनका मिजाज उनका साख्त सब कुछ फ़र्क है जिसमानी तौर पर रूहानी तौर पर माशी तौर पर हर लिहाज से दोनों फ़र्क हैं मसा अगर आप देखें तो मर्द जो है वो ताकतवर है मर्द ताकतवर है वाला है मजबूत है फिज़िकली इमोशनली साइकलॉजिकली इवन इकनॉमिकली वो टफ़ है वो हार्डी है वो रिजिलियन है तो बस चूँकि फ़र्क है तो उसका दायरा कार अल्लाह सबल तक ने घर से बाहर बना दिया तुम बहुत टफ हो हार्डी और रिजिलियट हो तो घर से बाहर निकलो ना तुम जाओ कमाओ तुम खाओ तुम प्रोवाइड करो फेंड और फेच करो माशे के अंदर ऊँच नीच गर्मी सर्दी जाड़े तूफ़ान लोगों की तंग तुर्श बातें सुनो और इनके अखराज और इनके सिस्टम को चलाओ और इवॉल्व करो औरत को अल्लाह सुबहाना तरम नाजुक बनाया है कमज़ोर बनाया हर लिहाज से और फिर बहुत मोहब्बत करने वाली चाहत करने वाली काइंड बनाया नरम दिल बनाया टूट के मोहब्बत करने वाली बनाया है और काइंडनेस को कूट कूट के नरमी और शफकत और मोहब्बत को उसके दिल में उसके जिस्म के उसके हाथों के लम्स में भर दिया तो उसका दायरा कार घर के अंदर है जहाँ वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको जिनको उसने पालना है मोहब्बत से पालना है पोसना है निगरानी करनी है शफकत के साथ और फिर बूढ़े वालदन हैं बीमार वालदे हैं बुज़ुर्ग हैं तो चूँकि अल्लाह ने दोनों को फ़र्क बनाया तो उनके दायरे कार भी फ़र्क बना दिए है। हैं बराबर हम पल्ला अदना आला नहीं है लेकिन उनके दायरे कार उनके सफ़ेयर्स ऑफ लाइफ उनकी कमिटमेंट्स उनके फ़रज़ फ़र्क बनाए हैं याद रखिएगा मुसलमान घराने के अंदर कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है मुसलमान घराना जो है वो कोई कुश्ती का अखाड़ा कोई लड़ाई का मैदान नहीं है कि जहाँ दोनों अपने हकूक व फ़राइज अपने अपने हकूक़ छीन रहे हैं और कोई छीना झपटी हो रही है कुश्ती का मैदान नहीं है दोनों जुआज हैं दोनों हम पल्ला हैं दोनों बराबर हैं दोनों अपने अपने फ़राइज़ पूरी फ़र्शनासी पर अदा करने पर मसरूफ़ अमल है और हकूक़ को इन वो अल्लाह के हजूर छोड़ देते हैं कि अल्लाह सुबहाना तौला जिसके हकूक़ की कमी हुई है जिस पर ज्यादती हुई है जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है अल्लाह बड़ा आदिल है उसने क़्यामत का दिन अहक यौमुल बरपा ही इसलिए किया है कि वो महरूमों को मज़लूमों को मजबूरों को जिनकी हक़ तलफी हुई थी और हक़ नहीं दिए गए थे वो क़्यामत के दिन उनके हक़ दिलवाएगा तो अल्लाह के बन्दे हक बेहतर दे सकते हैं या यामत के दिन अल्लाह बेहतर हक देगा और ऐसा ही होगा कि वो लोग जिनके दुनिया की ज़िंदगी में हक़ नहीं दिए गए थे उनको महरूम और मजबूर और मजलूम बना के रखा गया था जब कयामत के दिन अल्लाह सुबहाना ताली अपनी शान से हक़ देगा तो वो रोएंगे कि काश हमें हमारी दुनिया में, में हक़ दिए ही ना गए होते तो बस अजवाज अपने अपने फ़राज अदा करते हैं और अपने हकू को अल्लाह आदिल के हवाले करके छोड़ देते हैं उस पर तो्क्ल करके अपने अपने, अपने फ़रज़ अदा करते रहते हैं क्योंकि क़्यामत के दिन फ़रज़ की अदम अदायगी के बारे में सवाल है तो ये है जोजा का तसुर और ये मुसलमान घर आने का एक बेसिक ताना बाना है और फिर यहाँ पर अजीत तसा अलू नबी वरहाम रहम के रिश्तों की अहमियत को महसूस करना ज़रूरी है घर के अंदर मोहब्बतें चाहते हैं सुकून चाहते हैं और घरों के अंदर मोहब्बतों को बढ़ाना और रवाज देना चाहते हैं तो रहम के रिश्तों का पास ज़रूरी है वो रहम के रिश्ते के जिनके लिए आपने फ़रमा दिया तला जन्नत जन्ना और रहम क़त रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा और वो रहम के रिश्तों को मेंटेन करना ज़रूरी है अपनों को भी और अपने अजवाज के रिश्तों को भी कि जिनके लिए अल्लाह सुबहाना ताली ने रहम को अपने हाथ में लेकर फरमाया था कि रहम रहमान से मुश्तक है जो इससे जोड़ेगा आप में ने फरमाया था कि अल्लाह सुबहाना ताली ने फरमायामन वसला का वसल तो हूँ वमन कतवा का तो हूँ कि ए रहम जो तुझे जो जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काट दूँगा तो रहम के रिश्तों को जोड़ना ये पैगाम ज़रूरी है बीवी अपने रहम के रिश्तों को भी जोड़ेगी और अपने शहर के रहम के रिश्तों को भी काटने से गुरेज़ करेगी शोहर अपने रहम के रिश्तों को भी जोड़ेगा और बीवी के रहम के रिश्तों को भी काटने और तोड़ने से हतलकान इजतनाब करेगा वो बीवियाँ जो कैंची की तरह चलती हुई जबान और गईबतों और चुगलियों और ताने और तिशने दिखा दिखा के एक बेटे को उसके बाप से या उसकी माँ से या भाई को उसके बहन से काट के रख देती है या दो भाइयों के दरमियान रिश्तों और मोहब्बतों के दरमियान दरार डाल के रख देती है या अपने बच्चों को उसके अपने ससुराल वालों से उसके दादी दादा के साथ उनके साथ मोहब्बतों को निकाल के अपने बच्चों को जहर आलूद कर देती है अपने ददयाल वालों से मैं आपको बताऊं कि मैं बड़े तलख अंदाज में शायद ये जुमला कहूँगी कि वो माँ वो माँ जो अपने बच्चों के जहन को पॉइजन कर देती है ददयाल वालों के ख़िलाफ़ वो माँ बदतरीन दुश्मन है उन बच्चों की वो माँ बदतरीन दुश्मन है अपने बच्चों की वो मां नागन की तरह जो जहर डाल देती है अपने बच्चों के दिल में दादा दादी के खिलाफ अरे उन दादा दादी के खिलाफ जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ हाथ उठा के उन बच्चों के लिए दुआएं करने अपने पोते पोतियों के लिए वो जहर वो जहर इंजेक्ट कर देती है अपने बच्चों के अपने बच्चों के नन्हे नन्ने, नन्ने जहनों में उन चचा और उन पुपियों के खिलाफ जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही टूट के मोहब्बत करना है अपने अपने भतीजे भतीजियों से और मोहब्बत कहाँ मिलती है अरे किस मोल पे मिलती है किस दाम पे मिलती है मोहब्बत करने वाले रिश्ते वो तो कहीं भी नहीं मिलते और अपने बच्चों को मोहब्बत करने वाले ताल्लुक से महरूम करके रख देना काट के रख देना और इसी तरह वो क़त रहमी का मरतकब हो रहा है वो शौहर जो बीवी को कह देता है नहीं जाओगी तुम अपनी बहन के घर और नहीं मिलोगी तुम अपने भाई के घर और नहीं आएगी बहन तुम्हारे घर क़ा रहमी है अल्लाह ने फरमायान रकीबा। अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरान है और फिर खुतबाई ने कहा मैं बिल्कुल इख्तिताम की आयत में अल्लाह ने फरमाया वूल कउुल सदीदा युसलिख लकुम आमकुम अपने अपनी बात को सीधी क्लियर दो टोक बात कहा करो लगी लिपटी लगी लिपटी बात ना किया करो मुनाफिकाना हिपोक्रिटिकल बात ना किया करो तुम्हारे कॉल और फेल में तजादो तुम्हारे दिल में कोई बात और तुम्हारी जबान में कोई और बात हो तुम्हारे र बातिन में फर्क हो कूलु कौलन सदीदा सीधी क्लियर कट दो टोक बात किया करो गोलमोल बातें लगी लिपटी बाते, बातें झूठी बातें और मुनाफिकाना अंदाज ये घर के अफराद के दिलों के अगर रवैये उनके अंदाज में उनकी बातों के ऐसे अंदाज हुए तो फिर घरों में सुकून नहीं आएगा और फिर अल्लाह सुबहान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला आयत जो है वो कुरान की रखी और फरमाया गया मन युति अल्लाह व रसूलहु फकद फाज फौजन अज़ीमा कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो सुपरलेटिव कामयाबी तक पहुंचेगा तो अगर रिश्ता अजवाज निकाह का तरीक़ा शादी ब्याह का तरीक़ा उसकी रसूमात उसके सारे मरा और उसके बाद के सारे ज़िंदगी के मराहल हकूक़ जोजैन अगर नबी सल्लाम की हदीस और सुन्नत की तलीमत के मुताबिक हुए तो इनशा फ़ौज अजोईमा होगा इनशाला इस पर भी बात होगी कि निकाह का मसनू तरीक़ा क्या है ताकि हम फौज़ नजीमा को हासिल करने में कामयाब हो जाए और बस आज ये बात ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा चूँकि इसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन टिप्स हैं और एक क़ुरान की आयत जिसमें बहुत ही मुझे लगता है कि चंद हरूफ पर मुश्तमिल तकरीबन सात हरूफ पर ये एक ऐसा खूबसूरत और एक ऐसा जाम ख़ुशहाल घरने का नुस्ख़ा है और इसमें इतने खूबसूरत नुस्खे हैं के अल्ला सुबहाना तआला ने कुरान में फ़रमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लकुन्ना दोनों अजवाज को मुखातिब करके एक कामयाब खुशहाल ज़िंदगी और अजवाजी ताल्लुक़ को चलाने का सक्सेसफुली एक नुस्खा है अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ पे मियाँ बीवी को आपस में जोज करार एक दूसरे का लिबास करार दिया है और अगर आप देखें तो लिबास जिसम के साथ जो मामला करता है वही अजवाज को एक दूसरे के साथ करना है लिबास इंसान के जिसम का क़रीब तरीन हिस्सा है जो हमारे जिसम के करीब तरीन चीज़ है ना वो हमारा लिबास है तो फिर पहली चीज़ जोज को मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए क्या होना ज़रूरी है एक दूसरे के करीब होना ज़रूरी ज़रूरी है, है। नबी वसल्लम कि हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तह की रवायत से है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम ने फरमाया कि एक मर्द पर हक़ सबसे ज़्यादा उसकी माँ का और औरब सबसे ज़्यादा उसकी बीवी का है बहुत ख़ूबसूरत है ये हदीस और इसकी गाइडेंस कि सबसे ज़्यादा हक माँ का हक किस हवाले से उसकी अतात उसकी फर्माबर्दारी उसकी खिदमत, उसको राज़ी रखने का हक उसकी बात मारने का हक सबसे ज़्यादा यह है कि माँ का है और फिर कुर्ब यानी क्लोजनेस जिसमानी साइकोलॉजिकल शेयरिंग केयरिंग अपने राजो न्याज, अपने भेद अपने सीक्रेट, तो हर किस्म का कुर्ब और बॉन्डिंग और क्लोजनेस जो है वो बीवी के साथ है ये हदीस इतना ख़ूबसूरत बैलेंस सिखा देती है एक मर्द को कि उसने माँ को कहा किस पोजीशन और किस स्टेटस पर रखना है और कितनी अहमियत किस हवाले से उसकी रिलेशनशिप को कैसे चलाना है और बीवी को क्या पोजीशन और क्या प्लेसमेंट देनी है हम बहसीत मुसलमान और उमत मोहम्मदी सल्ह वसम के अफरा हम बहुत ही खुशकस्मत हैं ज़िंदगी के हर मरहले से पहले ना हमें रहनुमाई और गाइडेंस मिल जाती है और टोटल गाइडेंस मिल जाती है और जिनके पास ये गाइडेंसेस नहीं है वो तो ज़िंदगी को गुजारने के तरीके अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से सीखते हैं हिट एंड ट्रायल से सीखते हैं और पे जब ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ उनको ज़िंदगी के तजर्बों से पता चलता है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है तो फिर तब तक ज़िंदगी गुज़र चुकी होती है तब तक उन जिंदगी के तजर्बों से फ़ायदा उठाने की मोलत गुजर चुकी होती है और फिर जब वो बुज़ुर्ग और जब वो सफ़ेद बालों वाले ज़िंदगी से तजर्बों से सीखने वाले अपनी अगली नस्ल को बताते हैं कि बेटा मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मेरे तजर्बों से फ़ायदा उठाओ तो वह बच्चे उनके तजर्बों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं वो कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से सीखेंगे लेकिन हम बहासियत मुसलमान हम हाँ मिलान कुरान हम नबी की सुनतों को थामने वाले अपनाने वाले हम लकीस्ट पीपल ऑन अल्लाह जर्थ हैं। हमें ज़िंदगी के हर मरहले से पहले ऐसे जैसे थाली में रखकर सारा तरीक़ाकार द बेस्ट आजमुदा तरीके सिखा दिए जाते हैं और मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद आधा ऐशू और आधा क्राइसिस होता ही इसलिए कि शौहर को पता ही नहीं होता उस लड़के को पता ही नहीं होता कि उसने माँ को क्या पोजीशन देनी है और बीवी को कहाँ देनी है बस औकात करीब माँ के ज़्यादा होता है हर हर खट्टी मीठी बात वो जाके माँ के साथ करता है बीवी की भी सारी बातें माँ के साथ करता है और वो करीब माँ से ज़्यादा होता है लेकिन बातें ज़्यादा बीवी की मान रहा होता है और वो खींचा तानी और वो टसल जो है वो इसीलिए शुरू हो जाती है सास और बहू में बस औकात क्योंकि उस लड़के को माँ को और बीवी को करेक्ट पोजीशन देकर उनकी सही मकाम पर रखना आ ही नहीं रहा होता लेकिन जिसने हदीस पढ़ ली उसको आ गया उसका घर खुशहाल होगा तो बहरहाल अजवाज को एक तो सबसे ज़्यादा करीब होना ज़रूरी है बहसीत लिबास और लिबास क्या करता है हमारे जिस्म की हिफाजत करता है गर्मी से सर्दी से धूप से छाँव से बारिश से झाड़े से तूफ़ान से तो दोनों अजवाज को एक दूसरे के लिए मुहाफ़ बनना है उनके राजों के उनको गर्मी सर्दी माशरे की जो तंग तलख बातें हैं जो माशी तंगियां हैं ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं दुख हैं गम हैं उनमें एक दूसरे के लिए ढाल बन जाना है एक दूसरे का मुहाफ़ और निगरान बन जाना है और फिर लिबास हमारे जिसम को सकून और राहत देता है मौसम की सख्तियों से और वैसे भी जैसे गर्म कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं तो वो हमारे लिबास को हमारे जिस्म को सुकून देता है गर्मियों में हम हल्के फुलके पतले से कपड़े पहन लेते हैं तो भी हमारे जिस्म को वो सुकून देता है तो इसी तरह अजवाज को एक दूसरे के लिए सुकून का ज़रिया बनना है अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में फ़रमाता है इस सुकून के लिए लि अलैहा कि ये दोनों रिश्ता है अजवाज अल्लाह ने बनाया ही इसलिए कि दोनों एक दूसरे के लिए सकून का ज़रिया बने और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अजवाज के दिलों में मवदत हुआ राह मोहब्बत और रहमत का जज्बा इसलिए डाला है कि वो एक दूसरे के लिए सुकून और राहत का ज़रिया बने ये शौहर को बीवी के लिए और बीवी को शहर के लिए सकून का ज़रिया बनना है ये शौहर बीवी के लिए सकून नहीं दे रहा होता कि जब वो थका हारा आता है और वो आते सार लड़ाई झगड़ा गाली गलोच घर में घुसते सारी ऐसे जैसे उसने अपने कंधे पर एक लाठी रखी हुई है किसी को मार रहा है पीट रहा है गाली गलोच बदजबानी शिकवे शिकायत ये ये सुकून नहीं दे रहा वो बीवी को और ना ही वो बीवी शोहर को सुकून दे रही है कि जब वो ताने देती है तिशने देती है शिकवे शिकायतें करती है या वो थका हारा आ रहा है सुबह का पसीने से और इतनी इतनी थकावट बर्दाश्त करके सारे दिन के काम काज के लिए आ रहे हैं और वो तैयार होकर और कंधे पे अपना बैग लटका कर अम्मा के घर चलें शॉपिंग पे चलें फला मॉल पे चलें कि उसके लिए सुकून का ज़रिया नहीं बन रही है ये बीवी तो ये रिश्ता अजवाज का मकसद ये है कि वो एक दूसरे के लिए सुकून का ज़रिया बने और फिर लिबास हमारा हमारे बहुत से ऐबों पे पर्दा डाल देता है तो अजवाज को एक दूसरे के राजों को एक दूसरे के राजों की हिफाजत भी करनी और ऐपों पे पर्दा डालना ये बीवी शोहर का लिबास नहीं बन रही है जब वो अपनी माँ के सामने अपनी सहेलियों के सामने अपनी बहनों के सामने अपने शोहर के ऐप बयान कर रही है मुझे ख़र्चा नहीं देता मुझे तंग करता है मुझे सताता है मुझे घुमाने फिराने को नहीं लेके जाता मुझे मौसम के नए जोड़े नहीं बना के देता ये उसके ऐबों पे पर्दा नहीं डाल रही है ये उसका लिबास नहीं बन रही है और यहाँ शौहर उसके तस्करे जो है वो अपनी बीवी अपनी माँ के सामने अपने दोस्तों के सामने बड़ी फोहड़ है बड़ी सुस्त है बड़ी काहिल है बड़ी नकम्मी है ये उसका लिबास नहीं है उसका शौहर और फिर लिबास हमारी पहचान बनता है हमारी इज्जत का ज़रिया बनता है वो बीवी अपने शौहर का लिबास नहीं बनती है कि जब उसके ससुराल वाले आते हैं उसकी बहन आती है तो वो मुंह बसूरे बैठी रहती है ना मेहमान नवाजी करती है ना खाना बनाती है और उल्टा नाराज़ होकर बैठी रहती है नाराज़ होकर के तार तिशने देती रहती है ये शहर की इज़्ज़त नहीं कर रही है इसी तरह वो शहर जब लड़की के मे वाले आते हैं उसका बहनोई उसकी बहन मुलाकात के लिए आते हैं और वो वो कमरे से निकलता ही नहीं है वो सीधे मुँह मिलने को तैयार ही नहीं है वो उसकी इज़्ज़त नहीं उसकी ज़िल्लत कर रहा है उसकी रसवाई का ज़रिया बन रहा है वो अपनी बीवी का लिबास नहीं बन रहा और ना ही वो बीवी उसका लिबास बन रही है तो आप ये देखें कि क़ुरान में हदीस में इस मसनून ख़ुतब निकाह में घर को खुशहाल करने के लिए पुरसकून करने के लिए घर के अफराद को बहुत ही ख़ूबसूरत सुनहरे असूल हैं और ये सुनहरे असूल हम महज तब सीख सकेंगे जब हम कुरान के साथ जुड़ेंगे और जोड़ेंगे क़ुरान को सीखेंगे और सिखाएंगे क़ुरान को अपनाएंगे और क़ुरान का ज़ाबदा हयात को अपना ज़ाबतः हयात बनाएँगे अल्लाह सुबहाना ताली हमें मरते दम तक हदीस को सीखने सिखाने समझने समझाने और अपनी ज़िंदगी का रहबर बनाने की तोफ़ी कता फरमा रब बना लतज़े क़लु बना बद इसदई तना व हब लना मिल्ला तखमा انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم امين